हाय गाइस, यू आर ऑन स्माइल आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ अलजेब्रा एप्टीट्यूड। ओके, आवर टैग लाइन इज वीर भोगे वसुंधरा, मीन्स दोज हु आर हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस, दे कैन अचीव एनीथिंग वॉट एवर दे वॉन्ट इन देयर लाइफ। ओके, सो हमने पिछले थर्ड लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसको हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? पढ़ा था हमने रूट एन होगा इफ, तो एक्स माइनस, यहां पे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल क्या होगा? रूट एन माइनस फोर। ओके, ये हमने पढ़ा था। ओके, तो अब इस पे हम थोड़ा सा इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल रूट एन। अब क्या करेंगे, इस एक्स को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे रूट एन से, तो हम इसको और इसको इधर साइड लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट एन एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। अगर जैसे ऐसे इक्वेशन आ जाएगा, हमसे पूछ लिया जाएगा कि एक्स प्लस वन अपन एक्स का क्या होगा वैल्यू, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं एक्स वन अपन एक्स इक्वल क्या होगा, वही सेम से हम ले आए तो यही होगा रूट एन। अब हमसे जैसे पूछ लिया जाए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल क्या होगा, रूट एन माइनस फोर। ओके, अब इसको जब भी एक बार बुक खोलें तो एक बार इसको देखते चलें। ओके, 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक्चुअली मैं बता क्या रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हो सकता है आपको ना समझ में आए, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, जब हम प्रॉब्लम इसको अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो वहाँ हमें बेटर समझ में आएगा। ओके, और ये कुछ है नहीं ऐसे ऐसे। ओके, सो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अभी। जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन, लेट्स इफ If x square minus root 13 x plus 1 equal 0, so क्या पूछ रहा है यहाँ पे, x plus वन अपान एक्स इक्वल क्या होगा, ये पूछ रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा, यही सेम पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस वन, ये क्या होगा, तो इसका क्या होगा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट एन ही आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे डायरेक्ट एन क्या आ जाएगा, इसका रूट एन वैल्यू, एन क्या है यहाँ पे 13 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस वन ये आ जाएगा, ये यहाँ पे ये वाला आ जाएगा रूट एन। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल रूट 13, इसका आंसर हो गया। सो मैं से अब क्वेश्चन नंबर टू को समझते हैं। इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल 5, सो क्या पूछ रहा है इसमें, एक्स पावर 4
प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। तो ये पूछ रहा है इसका इक्वल क्या होगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम इसको आंसर कैसे कर सकते हैं, इसको यहाँ पे एक लाइन खींच ली इधर करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे जो इस फॉर्मूले के फॉर्म में आ पाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले में। एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा, एक्स टू बच जाएगा। ओके, नहीं नहीं स्क्वायर नहीं ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ क्यूब हो जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब भी हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ से कॉमन जाएगा तो एक नीचे यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये स्क्वायर पहले से है तो ये भी क्यूब हो जाएगा। तो ये फार्मूले के फॉर्म में हो गया। ओके, नीचे से भी हम एक्स कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे x माइनस फोर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस वन अपॉन x हो जाएगा। ओके, और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके बाद यहाँ आते हैं, तो x क्यू प्लस वन अपान क्यू अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स माइनस फोर। अब इसका वैल्यू तो दिया हुआ, इसका वैल्यू क्या दिया है, फाइव। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका वैल्यू ये फाइव दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पुट कर देंगे तो फोर फाइव माइनस फोर तो वन हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, एक्स क्यू प्लस वन अपान क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यू माइनस थ्री एन। ओके, तो क्या हो जाएगा, एन क्या है, एन यहाँ पे फाइव है। ओके, तो यहाँ पे फाइव का क्या हो जाएगा, और इसके नीचे वन हो गया था वो, तो वन का कोई वैल्यू नहीं, तो इधर आप कुछ लिखने का मतलब नहीं। इधर फाइव फाइव का क्यूब क्या हो जाएगा, वन टू फाइव माइनस फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन मीन्स वन वन जीरो, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, थोड़ा ग्लिच आ रहा है, क्या ग्लिच आ रहा है पता नहीं। ओके, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये एडवांस मैथ का पार्ट है। ओके, अगर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x प्लस वन अपान एक्स इक्वल ट्वेंटी। ओके, सो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यूब प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइनटीन एक्स प्लस वन। ओके, तो यहाँ पूछ रहा है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको पहले x कॉमन ले लेंगे इधर, तो ये x कॉमन हो गया, इधर क्या बचा, x स्क्वायर हो गया प्लस वन अपान x स्क्वायर यहाँ भी हो गया, क्योंकि ये x कॉमन लिए हैं तो इधर नीचे भी वो हो गया, और इधर भी x कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट विद करना है इसको। तो क्या होगा, x माइनस नाइनटीन प्लस वन अपॉन
एक्स, ओके। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में कहाँ ले जाएंगे, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर वन अपान एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस टू, ओके। और इधर आप देखोगे तो ये माइनस नाइनटीन, इसमें कितना है वो 20 दिया है, तो 20 माइनस 19 कितना हो जाएगा, क्योंकि x 1 प्लस इसका तो ये वैल्यू दिया है, 20 माइनस 19 1 हो जाएगा, तो इसका हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब हमारे पास ये वाला n का क्या वैल्यू है, 20, 20 स्क्वायर 400, 400 माइनस 2 398, इसका आंसर आ जाएगा, ओके। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स प्लस वन अपान x इक्वल 3, ओके। सो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, x पावर 6 प्लस 1 अपान x पावर 4 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको पहले क्या करना है, हमें पूछा इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमें दिया हुआ गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x पावर 5 हो जाएगा प्लस 1 अपान x का पावर 5, ओके। अब इधर भी x कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट करना है, तो इधर x माइनस 2 प्लस 1 अपान एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हाँ क्या बच गया, x का पावर 5, ओके। तो उसका क्या फॉर्मूला है, एन स्क्वायर माइनस 2 एन क्यू माइनस 3 एन माइनस एन, ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे 3 दिया हुआ है और ये 2 है, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब एन के स्थान पे हमें 3 पुट कर देना है, 3 3 जा 9, 9 टू 7 इंटू 3 27, 27 माइनस 9 मीन्स 18 माइनस 3, ओके। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 18 1 2 6 माइनस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, ओके। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ओके।